जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान विषय 2023 का अनसाल पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। संकेतांक इसका है 824 ईओ। हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका पेपर कुल दो खंड में है। खंड आ, जिसके तीन उपखंड का खा तथा गा है, और दूसरा खंड बा है। इस खंड के भी तीन उपखंड का खा तथा गा है, जिसमें खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है तथा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका वर्णन करना है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आप खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों के उपखंड खा तथा गा को सॉल्व करेंगे। अब इस खंड बा के उपखंड खा का पहला प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न पत्र का 25वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए, जिनमें आपको का, खा, गा तथा घा चार दिए गए हैं। इनके आईपीएसी नाम को देखते हैं। हाँ बच्चों, इस वीडियो के पहले भी हम आपके लिए एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, जिसमें खंड आ के उपखंड खा तथा गा का सॉल्यूशन हो चुका है, जिसे आप अपने YouTube चैनल अजय बायो डॉट क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न का दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो देखेंगे, यहाँ पर जो Cl है, आप पढ़ें कि Cl एक हाइलोजन परमाणु है। हाइलोजन परमाणुओं को कैपिटल यक्स से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल यक्स इक्वल टू हाइलो है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, ये सब आ जाते हैं। मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, पीरियाडिक टेबल में इसको आपको पता है। तो ये अब ये जो है, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जहाँ आएंगे, जिस कार्बनिक यौगिक के साथ आएंगे, ये वहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के लिए आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिस्थापी समूह जहाँ होगा, कार्बन परमाणुओं का अंकन वहां से शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक क्रियात्मक समूह का कार्य करता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड को उस समय वरीयता दी जाएगी जब कोई प्रतिस्थापी समूह ना हो, कोई क्रियात्मक समूह ना हो। तो यहाँ पर देखें तो एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में क्लोरीन आ गया है, क्लोरो है, हेलोजन परमाणु है। तो हमारा आईपीएससी जो देखेंगे, कार्बन परमाणुओं का अंकन जो इसमें करेंगे, वो यहाँ से हो जाएगा। तो एक, दो और तीन कार्बन यहाँ पर मिल गए। अब देखिए, मेथ, एथ, प्रोप। अब देखिए, तो पहले कार्बन पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन परमाणु, मतलब क्लोरो है, और दूसरे कार्बन पर युग्म बंध है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पर इन लगा देते हैं, और बाकी जो है इन कार्बन परमाणुओं का एल्क नेम ढूंढ लेते हैं। तो मैथ, एथ, प्रोप, प्रोप हो गया। तो क्या कर देंगे, अब इसका जो आईपीएसी होगा वह हो जाएगा क्या, 1 क्लोरो। 1 क्लोरो क्यों हुआ, पहले कार्बन पर क्लोरीन था, तो 1 क्लोरो। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या कर देंगे, इसका एल्क नेम दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोप 2। दूसरे कार्बन पर इन है, प्रोप 2 इन। इसका आईपीएससी नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोप 2 इन। इसका एक दूसरा और भी नाम लिख सकते हैं, 1 अथवा करके इसका और दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, क्या, 1 क्लोरो प्रोपीन, ये इसका दूसरा नाम भी मिल जाता है। दूसरा खा दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH।
तो इस कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखना है कि यहाँ पर COOH और OH, यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह है। एक क्रियात्मक समूह आपका ये है और दूसरा क्रियात्मक समूह आपका ये है। तो देखेंगे, अब समस्या यह है कि इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से करें। यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल समूह है OH, और यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो आप पढ़े आईपीएससी में, आपको ऑलरेडी से पढ़ाया गया, पहले से पढ़ाया गया है, तो आपको पता है कि COOH जो होता है क्रियात्मक समूहों में COOH की वरीयता अन्य क्रियात्मक समूहों की अपेक्षा उच्च होती है, सबसे अधिक होती है। तो अधिक वरीयता वाला यह क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम सीधा सीधा आप पा गए कि जिसकी वरीयता ज़्यादा होगी उसको मेन चेन के साथ जोड़ देंगे, और जिसकी वरीयता जिस कार जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता इससे कम होगी उसको हम प्रतिस्थापी समूह बना देंगे, सब्स्टिट्यूएंट चेन बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस क्रियात्मक समूह को मेन चेन के साथ जोड़ देंगे और इस क्रियात्मक समूह को हम सब्स्टिट्यूएंट चेन बना देंगे, प्रतिस्थापी समूह बना देंगे। तो आपको अब एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ कोई कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह आता है, जैसे कि ए आया है, तो ऐसे कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के कार्बन परमाणु का भी अंकन कर लिया जाता है। तो हम अब अंकन करेंगे तो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो इस कार्बन का भी अंकन कर लेंगे, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है कि जो क्रियात्मक समूह मेन चेन के साथ आया है, ये तो मेन चेन हो गई ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट चेन हो गई। तो जो क्रियात्मक समूह मेन चेन के साथ आया है उस क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगाते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट चेन के रूप में प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है उसका परफिक्स लगा देते हैं। तो और देखेंगे, आईपीएससी नामकरण करते समय आपको एक चीज और पता है कि सब्स्टिट्यूएंट चेन हो चाहे साइड चेन हो, इन सब चेन को जो है मेन चेन से पहले लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, तो मेन सब्स्टिट्यूएंट चेन आपका ए है, मेन चेन आपका ए है, तो सब्स्टिट्यूएंट चेन को पहले लिख देंगे। तो क्या है, दूसरे कार्बन पर क्या आया है, हाइड्रॉक्सिल समूह आया, तो इसका हाइड्रॉक्सिल समूह का हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप का परफिक्स जो होता है हाइड्रॉक्सी होता है। तो हो जाएगा इसका आईपीएससी नेम जो होगा वह हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी। दूसरे कार्बन पर था तो हम इसको कौन था, हाइड्रॉक्सी था, हाइड्रॉक्सी लगा दिए। अब मेन चेन का नाम लिख देंगे, मेन चेन आपका क्या है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड से प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोप एन। अब क्या है, पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ओइक एसिड, इसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड होता है। तो हो जाएगा प्रोप एन 1 ओइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसका एक दूसरा और भी नाम मिल जाएगा, क्या, जैसे कि देखते हैं 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1 जब नहीं लिखा जाएगा तो हो जाएगा इसका दूसरा आईपीएसी 2 हाइड्रॉक्सी प्रोप। अब देखेंगे 1 को जब हटाएंगे तो प्रोप एन, एन का ई हट जाएगा क्योंकि एक वाबेल ओइक में ओ है और एन में ई है, तो दोनों वाबिल दोनों स्वर हैं, तो 2 स्वर को जब जोड़ेंगे तो इस प्रोपेन का ई हट जाएगा, तो हम प्रोप और ओइक इसको जोड़ देंगे, इसको यहां लिख देते हैं प्रोप एन, एन का ई हट जाएगा तो जुड़ जाएगा ओइक एसिड, इसका एक और नाम मिल जाता है।
चाहे टू हाइड्रॉक्सी प्रोपेन वन ओइक एसिड कह लीजिए, चाहे टू हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड कह लीजिए, तो इसका सही आंसर आपका ए मिल जाता है। समझ में आ गया? आगे का देखेंगे, दिया है C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से C2H5 जुड़ा है और इधर CH2 और C2H5, इस CH2 से C2H5 जुड़ा है। अब इस कार्बनिक यौगिक का IPAC नामकरण करने से पहले हम इसमें कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे, कार्बन परमाणु की गणना करेंगे कि कितने कार्बन परमाणु हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, देख रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या है उसको जान लेते हैं। और एक चीज और आपको पता है कि कार्बन परमाणु की किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सतत लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं आप, तो IPAC नामकरण करते समय किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की सतत लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, कार्बन परमाणु की कितनी लंबी श्रृंखला बन जाएगी उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखें C2 है, C2 का मतलब C2H5 है, तो यहाँ पर दो कार्बन हो गए, तो हो जाएगा 1 और 2। अब इससे जुड़ा है, यहाँ पर एक कार्बन है, 3 हो जाता है। फिर उसके बाद इससे ये जुड़ा है, 4 है। फिर इधर नीचे आएंगे तो 5 और 6 हो जाएगा, और इधर और आगे चलें तब यहाँ पर एक कार्बन 5 है और यहाँ पर 2 कार्बन है, 6 और 7 है। इधर आ रहे थे तो 4 के बाद 5 और 6 हो रहा था, इधर हम आ गए तो 5 और इसमें 2, 6 और 1, 7 पा गए। तो चाहे हम आप इधर से कार्बन परमाणु का अंकन कर लें, चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन कर लें, लेकिन हमको ढूंढना है कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला। तो हम कार्बन परमाणु की इस प्रकार लंबी श्रृंखला पा गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए इसका हम एल्क नेम ढूंढ लेते हैं। तो एक कार्बन है तो मेथ, 2 एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो गया। अब हेप्ट हमको मिल गया तो हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, तो हो जाएगा हेप्टेन। लेकिन एक चीज और यहाँ पर है, इस चौथे कार्बन पर एक C2H5 लगा है। C2H5 क्या है भाई? अगर C2H6 था तो क्या था? एथेन था। लेकिन आपको पता है कि जब किसी एल्केन मतलब एथेन, चाहे एल्केन में चाहे जो ले लीजिए, तो हम यहां पर एथेन लेंगे। तो आपको पता है कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो वह उस एल्केन का एन हट करके उसके स्थान पर इल लग जाता है, अर्थात वह एल्केन एल्किल में बदल जाता है। तो एक एल्केन हमारा एथेन C2H6 था, इसका एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो हो जाएगा C2H5। जब C2H6 था तो उसका नाम एथेन था, एथ प्लस एन था, लेकिन जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो हो जाता है एथ प्लस इल, तो हो जाएगा एथिल। तो इसका नाम हो जाता है, चौथे कार्बन पर लगा है क्या? एथिल। तो हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं, और ये तो आपका इतना मेन चेन बन गया, ये मेन चेन हो गया और ये आपकी साइड चेन हो गए। तो आपको पता है कि साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं, तो हम साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे। तो साइड चेन आपकी एथिल है, कितने कार्बन से जुड़ी है? चौथे कार्बन से, तो हो जाएगा 4-एथिल। अब उसके बाद मेन चेन को लिख दीजिए, तो मेन चेन में 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 का मतलब हो जाएगा हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन, 4-4-एथिल हेप्टेन। ये आपका
आंसर मिल जाता है। इस कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम 4-ethylheptane मिल गया। आगे आपका घा है, एक कार्बन है, इस कार्बन से देखेंगे तो एक हाइलोजन परमाणु का क्लोरीन और एक आयोडीन और एक ब्रोमीन जुड़ा है। कहने का मतलब एक क्लोरो है, एक आयोडो है और एक ब्रोमो है। अब एक कार्बन है भाई, आपको पता है कि एक कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की जो संयोजकता होती है वह चार होती है, तो चार संयोजकता से वह संतुलित होती है, संतुष्ट होती है। तो क्या मिला, तो तीन तो हाइलोजन हो गए, एक हाइड्रोजन है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर जो हाइलोजन है, तो इस हाइलोजन में क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो होता है। तो सबसे सरल है, एक कार्बन है तो इसके लिए मेथेन हो जाएगा, तो इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या है कि इसका नाम पहले लिखा जाए कि इसका नाम पहले लिखा जाए कि इसका नाम पहले लिखा जाए। भाई देखेंगे तीनों एक ही समूह से हैं, अर्थात तीनों एक ही परिवार से हैं, जिसको हैलो परिवार कहा जाता है, हैलोजन परमाणु कहा जाता है। जब तीनों का एक ही परिवार है तो हम इसको अगर पहले लिखें, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें तो संशय बनती है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर जो है क्या करते हैं, अल्फाबेट के आधार पर नामकरण करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नामकरण करते हैं। तो देखेंगे अल्फाबेट में जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद अल्फाबेट में जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर अल्फाबेट के क्रम में जो आएगा अगला उसको लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या मिलता है, यहाँ पर देखें एक ही कार्बन से, इसी कार्बन से ब्रोमो जुड़ा है। भाई ब्रोमो है तो बी से शुरू है, आयोडो है तो आई से शुरू है, तो सी से शुरू है। तो सबसे पहले अल्फाबेट के क्रम में बी आता है, ब्रोमो आता है, तो इसका आईपीएसी हो जाएगा 1-bromo। फिर उसके बाद बी के बाद अल्फाबेट के क्रम में क्या आता है, सी, तो 1-chloro, आगे 1-iodo, आयोडीन के लिए आयोडो, आयोडो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन है और इस सब सिंगल बांड लगे हैं, तो एक कार्बन के मेथ, सिंगल बांड के लिए एन, तो हो जाएगा मेथ प्लस सिंगल बांड के लिए एन, मेथेन। तो आंसर आपका मिल गया 1-bromo, 1-chloro, 1-iodo, मेथेन। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 26वां था, तो 26वां यहाँ पर देखेंगे अंशाल में, तो यहाँ अंशाल में देखिए 26वां जो प्रश्न है यहाँ पर स्टार लगा है, और यहाँ पर दिया है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। तो ये 26वां प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हम सीधा 27वें प्रश्न पर आ गए, पर 27वें प्रश्न को देखें तो 27वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, जिसमें पहला समीकरण का के रूप में दिया है, जिसमें पहला समीकरण है दिया है C6H12O6 प्लस दिया है O2, ये आपके अभिकारक हैं, और प्रोडक्ट में बन रहा है CO2 प्लस H2O। ये इस समीकरण को संतुलित करना है, तो हम आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने का एक विशेष ट्रिक बताए हैं। आपको याद है, पता है आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने का जो ट्रिक है, वह आपको अपने YouTube चैनल ajaybio.classes पर मिल जाएगा, आप वहां से उस ट्रिक को भी देख सकते हैं। तो देखिए हम उसी ट्रिक द्वारा
किसी भी रासायनिक समीकरण को सुगमता पूर्वक कम समय में भी आसानी से संतुलित कर पाएंगे। तो उस ट्रिक को आप देखिए, उस अपने YouTube चैनल पर जाकर के उस ट्रिक को आप देख लीजिए, अच्छे से कॉपी और रब को लेकर के उस पे अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर डालिए। तो हम उसी ट्रिक का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो हमको इसमें करना क्या है, इधर आप देख रहे हैं C6H12O6 है, मतलब ग्लूकोस है, या इसी को कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं आप, और O2 ऑक्सीजन है, ये आपके अभिकारक हैं। और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल है। लेकिन ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं 6 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो आपको पता है समीकरण तभी संतुलित होगा जब अभिकारक में जितने जो है एलिमेंट होंगे और उत्पाद में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए, तब तो आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है। तरह से हाइड्रोजन है, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, 2, 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 1, 3 ऑक्सीजन है, तो आपका समीकरण संतुलित नहीं है। तो आइए हम उस ट्रिक के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्टेंट को, इस अभिकारक को अलग से लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट को लिखेंगे, फिर इस प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबका एक समूह बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। और हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 12 है, 12 है। और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो इसमें पूरा इसका एक सेट बना देंगे। और दूसरा अभिकारक हमारा क्या है, O2 है, तो O2 दूसरा सेट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अब उत्पाद पर चलेंगे तो उत्पाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। इसका हम एक समूह बना देंगे। दूसरा उत्पाद हमारा H2O जल है, तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसका एक समूह बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 6 है और यहाँ कार्बन 1 है, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि इधर भी कार्बन 6 हो जाए, दोनों बराबर हों। तो हम क्या करेंगे भाई, दिमाग तो इतना लगाएंगे ही ना, चूंकि ये कार्बन है तो कितने से गुणा कर देंगे कि 6 हो जाए, भाई 6 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर 6 गुणे कर देंगे। जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा एक समूह है। इस 6 का गुणा इस कार्बन में ही नहीं होगा, बल्कि इस 6 का गुणा कार्बन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो हो जाएगा 6 × 1 = 6, कार्बन यहाँ पर 6 हो जाता है, और ऑक्सीजन को देखें तो 6 × 2 = 12, ऑक्सीजन कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब देखें हाइड्रोजन को देखें तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और इसमें हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन इसमें यहाँ है, इसमें 2 है, तो कितना गुणा करें कि यहाँ पर भी 12 हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 2 = 12, ये हाइड्रोजन 12 हो गया। तो आपको पता है कि इस 6 का गुणा पूरे समूह में होगा, तो अगर इसमें ऑक्सीजन में करेंगे तो ऑक्सीजन 1 है, 6 × 1 = 6 ऑक्सीजन मिल गया। अब फिर से कैलकुलेशन कर ले तो क्या मिल गया, आप देखिए कार्बन 6 यहाँ है, कार्बन 6 यहाँ हो गया, कार्बन दोनों बराबर हो गए। हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 12 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, कार्बन बराबर हो गया और हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन 6 यहाँ है, 2 यहाँ, 6 × 2 = 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ है और कितना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिया है, 12 ऑक्सीजन हो गया। अब समस्या है यहाँ पर 12 × 6 = 18 ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो रहा है, 6 × 2 = 8 ऑक्सीजन हो रहा है। तो हम क्या करें, अब हमको दिमाग लगाना है, हम क्या कर दें कि इधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाए, भाई चूंकि इधर 12 × 6 = 18 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, और इधर जो है 8 ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या कर दें कि ऐसा कुछ कर दें कि इधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाए। तो दिमाग लगाइए क्या कर दें, यहाँ 6 से
गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 इधर हो जाएगा 12 और कितना 6 18 ऑक्सीजन 12 6 18 हो गया। अब फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, कार्बन कितना इधर है 6 है, इधर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन इधर 12 है तो हाइड्रोजन इधर 12 है, ऑक्सीजन इधर कितना है 6 और 12 12 6 18 और ऑक्सीजन इधर देखें तो कितना मिल गया 6 यहाँ है और 12 यहाँ है तो 12 6 18 ऑक्सीजन। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको दिमाग लगाना है क्या कि इस CO2 के साथ हम कितने से गुणा किए हैं, 6 से गुणा किए, इस 6 को हम इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया में 6 को लिख देंगे, ये हो गया। जल में देखें H2O में तो इसमें भी 6 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे। अब इधर देखें अभिकारक में तो यहाँ पर O2 में कितने से गुणा किए हैं 6 से, तो हम यहाँ 6 लिख दिए। अब ये आपका समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। तो पहले का समीकरण हम इस तरह से संतुलित कर लेंगे, 6O2 लगा करके और इधर 6CO2 और 6H2O लगा करके संतुलित कर लेंगे। तो इस ट्रिक को आप अपने YouTube चैनल ajaybio.classes पर जा करके इस ट्रिक को अच्छी तरह से देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये क्लास 10th वालों के बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है जिससे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। आप रफ कॉपी ले करके बैठ जाइएगा और लिख डालिए, सब समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, तो आगे देखें, इसका खा दिया है, खा दिया है यहाँ पर CaCO3 प्लस HCl गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, इस समीकरण को संतुलित करना है। ये आपका दूसरा प्रश्न खा है, तो इसमें भी वही ट्रिक लगा देंगे। क्या है, यहाँ पर अभिकारक दिए गए हैं, इधर उत्पाद हैं। अब इसमें वही ट्रिक लगाएंगे तो इस पूरे यौगिक का एक समूह बनाएंगे, इस पूरे यौगिक का एक समूह बनाएंगे और उत्पाद में इसका समूह, इसका और इसका समूह बना देंगे। तो बस उसी ट्रिक को फॉलो करा दीजिए। क्या करें हम, यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है और कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो इन तीनों का एक समूह बन गया अभिकारक में। अब इसी में दूसरा अभिकारक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 1 है, हम 1 लिख दिए, और क्लोरीन कितना है 1 दिया है, इसका एक समूह बन गया। अब उत्पाद में कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है 1 है, और क्लोरीन है, क्लोरीन कितना दिया है 2 दिया है, इसका एक समूह मिल गया। ये जल है H2O, तो H2O में हाइड्रोजन 2 दिए गए हैं और ऑक्सीजन 1 है, इसका एक समूह बना दिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, इसका एक समूह बना दिए। तो देखिए यहाँ अभिकारक में कैल्शियम 1 है और उत्पाद में भी कैल्शियम 1 है, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। कार्बन को देखें तो कार्बन इसमें 1 है, इसमें भी कार्बन 1 दिया गया है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 2 1 3 ऑक्सीजन इधर भी है, बराबर है। हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या कर दें कि इधर भी हाइड्रोजन 2 हो जाए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, उसी ट्रिक को लगा देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से जब गुणा करेंगे तो यह इस 2 का गुणा पूरे समूह में होगा, अर्थात हाइड्रोजन में भी होगा, क्लोरीन में भी होगा, तो 2 1 के 2 हाइड्रोजन अब यहाँ पर 2 हो गया और क्लोरीन में जब गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 क्लोरीन भी 2 हो गया। अब फिर से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैल्शियम 1 इधर भी 1 इधर भी 1, कार्बन इधर 1 कार्बन इधर भी 1,
ऑक्सीजन देखेंगे तीन, तो ऑक्सीजन इधर एक यहाँ और दो यहाँ, तीन ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे इधर दो हो गया और इधर भी हाइड्रोजन दो हो गया है। क्लोरीन इधर दो हो गया और इधर भी क्लोरीन दो मिल गया। अर्थात जितनी तत्वों की संख्या विकारक में है अब उतनी तत्वों की संख्या उत्पाद में भी हो गई। दो का गुणा हम केवल जो है इस HCl में किए हैं, इस HCl में हुआ है, तो बस इसी दो को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, आपका समीकरण संतुलित हो गया, आपका समीकरण जो है संतुलित हो गया। इस प्रकार इस समीकरण का संतुलन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो मोल जोड़ने से संतुलित होता है, इस प्रकार संतुलित कर लेंगे। अगला प्रश्न जो आपका ग है उसको देखिए, अगला है ग, इसमें दिया है N2+H2, ग N2+H2 गिव्स आउट NH3, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए बस वही ट्रिक यहाँ भी लगा देंगे, इधर अभिकारक में N2 है तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है दो है, और इधर देखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दो है। अब क्या उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है वन है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है थ्री है। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन दो है और इधर नाइट्रोजन एक है, तो हम क्या करें दो से इधर गुणा कर देंगे, तो दो एक के दो इधर दो मिल जाएगा, दो तिया छा यहाँ पर हाइड्रोजन छा हो जाएगा। अब इधर देखें इसमें तो हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर अब इसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन दो, इधर भी नाइट्रोजन दो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर दो, अभी लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया छा हो गया, तो हम क्या करें अब यहाँ तीन से गुणा कर देंगे, तो तीन दूनी छा। तो अब देखिए फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन इधर भी दो मिल गया, इधर हाइड्रोजन छः, इधर भी हाइड्रोजन छः मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी को उठा के यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो इस NH3 में यहाँ दो से गुणा किए थे तो यहाँ हम दो लगा देंगे, और इस H2 में हम तीन से गुणा किए तो यहाँ पर हम तीन लिख देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार इसको संतुलित कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका घ है, इसको देखिए, MnO2+HCl gives out MnCl2+Cl2+H2O दिया है यहाँ पर ये। अब इसको संतुलित करेंगे तो बस उसी ट्रिक को रखते जाइए, क्या मिला इसमें MN की संख्या कितनी है वन, O2 में ऑक्सीजन की संख्या दो, इसको एक सेट बना देंगे। इस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या वन है और क्लोरीन की संख्या वन है, इसको एक सेट बना देंगे, एक समूह बना देंगे। अब इस MnCl2 में MN कितना है वन है और Cl कितना है टू है, इसको एक सेट बना देंगे। Cl2 में क्लोरीन के लिए तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पर दो दिया है, और इस जल में H2O में जल में हाइड्रोजन जो है कितना है दो है और ऑक्सीजन कितना है एक है, इसको एक सेट बना देंगे। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पर मैग्नीज एक है, इधर भी मैग्नीज एक है, इधर ऑक्सीजन दो है और इधर ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दो से गुणा कर देंगे, जब दो से गुणा करेंगे तो दो का गुणा पूरे समूह में होगा, तो हाइड्रोजन में होगा तो दो दूनी चार मिल जाएगा, और जब दो का गुणा ऑक्सीजन में होगा तो दो एक के दो मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रकार ऑक्सीजन इधर दो और इधर भी दो हो गया, हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है चार है, तो हम इधर क्या करें कि इधर भी चार हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर हम जो है चार से गुणा कर देंगे, तो चार एक के चार हाइड्रोजन मिल गया, और चार का गुणा जब क्लोरीन के साथ होगा तो चार एक के चार क्लोरीन मिल गया। अब पूरे का फिर से कैलकुलेशन कर लें, मैग्नीज यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, ऑक्सीजन यहाँ पर दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो,
हाइड्रोजन यहाँ पर चार है और हाइड्रोजन यहाँ भी चार हो गया, क्लोरीन यहाँ पर चार है और क्लोरीन यहाँ भी जो है यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, चार हो गया। इस प्रकार अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर हो गई। अब हम जो है क्या करेंगे, जिस जिस समूह में जिस जिस संख्या से गुणा किए हैं उसी को उठा के रख देते हैं। हाँ, उत्पाद में हम H2O में दो से गुणा किए तो यहाँ पर हम दो लिख देंगे, और अभिकारक में देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में हम चार से गुणा किए तो यहाँ पर हम चार लिख देंगे। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला देखिए, इसी 27वें प्रश्न का अथवा करके दिया है। अथवा का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। इसमें का दिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक, चाहे वह अणु के रूप में हो चाहे यौगिक के रूप में हो, किसी अभिकारक से ऑक्सीजन जैसे किसी ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हो तथा हाइड्रोजन जैसे धन विद्युतीय तत्वों का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। चाहे अभिकारक जो है वह अणु के रूप में हो चाहे यौगिक के रूप में हो, तो इसमें जो तत्व है उन तत्वों में ऑक्सीजन हो अथवा ऑक्सीजन की तरह कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व हो और उसका योग होता हो, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो अथवा हाइड्रोजन की तरह कोई अन्य धन विद्युतीय तत्व हो उसका त्याग होता हो, वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल को समझें तो C+O2 गिव्स आउट CO2 बना रहा। कहने का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देख रहे हैं, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है और कार्बन धन विद्युतीय तत्व है, तो यहाँ पर दोनों का योग हो रहा है जिसके फल स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ होने वाली ये जो अभिक्रिया है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें तो 2Cu+O2 बन जाएगा 2CuO। यहां भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है और एक नया उत्पाद बन रहा है, तो यह अभिक्रिया जो होगी यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर देता है उससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारी पदार्थ हैं उन अभिकारी पदार्थों में जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं उस अधिक क्रियाशील वाले तत्व के द्वारा जिसकी अभिक्रियाशीलता कम हो उस तत्व को हटा दिया जाए, और उसको हटा करके अधिक क्रियाशील वाला तत्व भाग ले ले जुड़ जाए, तो वहां पर जो अभिक्रिया होगी वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में आयरन है या फिर है वह CuSO4 के साथ अभिक्रिया करती, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है FeSO4 है और Cu अलग हो जाता है। यहाँ पर इसको दिखा दें, आयरन ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और यह आयरन सल्फेट है और यह जो है
कापर है। ये जो आयरन है, इस आयरन की अभिक्रियाशीलता जो है वह कापर से अधिक है। देखेंगे कापर भी धन विद्युतीय तत्व है और आयरन भी धन विद्युतीय तत्व है, जबकि ये जो सल्फेट समूह है ये ऋण विद्युतीय तत्व है। तो होता क्या है कि सदैव धन विद्युतीय तत्व जो है ऋण विद्युतीय तत्वों से अथवा ऋण विद्युतीय तत्व धन विद्युतीय तत्वों से अभिक्रिया करते हैं। समान आवेश के तत्व अथवा यौगिक अथवा अणु आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो आयरन है, इस आयरन की रिएक्टिविटी रेट जो है अभिक्रिया करने की जो दर है, जो क्रियाशीलता है, वह कापर से अधिक है। इसलिए यह क्या करती है, कापर को हटा देती है, रिप्लेस कर देती है और कापर के स्थान पर यह खुद जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेती है। तो जब यह जो है सल्फेट से जुड़ जाएगी तो बना लेगी आयरन सल्फेट अर्थात, और यह आयरन सल्फेट और जो कापर होता है वह अलग हो जाता है। बस समझ में आ गया, आगे देखेंगे अगला। अगला है भर्जन। किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से भी कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। तो सबसे पहले अयस्क क्या है इसको जानिए। तो आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है क्या कि आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं एक खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं, और ये जो खनिज मिलता है हमारी इस मृदा की भूपरपटी अथवा समुद्री स्रोतों से प्राप्त होते हैं। धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इन खनिजों का शोधन होता है, अथवा जिनसे धातुओं को सरलता पूर्वक अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे जो है खनिज अयस्क कहलाते हैं, अथवा ऐसे धातु अयस्क कहलाते हैं। और मतलब है कि अयस्कों में भी अशुद्धियां रहती हैं, अर्थात धातु शुद्ध रूप में नहीं मिल पाते हैं। तो इन्हीं अयस्कों को वायु की उपस्थिति में इनके गलनांक से भी कम ताप पर जब इनको गर्म किया जाता है अयस्कों को, तो यह क्रिया भर्जन की क्रिया कहलाती है। यह मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, इसी तरह से भर्जन की तरह एक और हेडिंग मिलती है एग्जाम में, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में आपको भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछा जाता है, एक निस्तापन करके हेडिंग मिलती है। तो निस्तापन भी जो होती है भर्जन की ही तरह होती है, लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें जो अयस्क होते हैं उस अयस्क को जो है उसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जबकि भर्जन में अयस्कों को जो है उसके गलनांक से भी कम ताप पर गर्म करते हैं। तो अयस्कों को जब उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे तो भर्जन होगा, अयस्कों को जब उसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो वहां पर निस्तापन होता है। निस्तापन का जो प्रयोग होता है वह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार खंडवा वर्णात्मक प्रश्न का उपखंड ख जो है, उपखंड ख का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके आगे का खंडवा का उपखंड ग का कंप्लीट सॉल्यूशन अगले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।